हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आज है 12 जुलाई 2020, तो 12 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है, कब मनाया जाता है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है ये। ठीक है, मतलब कल यस्टरडे। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है कि ताकि सभी को पता चल सके कि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नंबर वन पे वर्ल्ड में चाइना पॉपुलेशन में है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए दिवस मनाया जाता है, ताकि जागरूक हो सके। ठीक है, सभी को बता सके कि जनसंख्या कितनी है हमारे देश की। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको प्रयास करना है कि क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो राज्य है वहाँ पे ये अप्लाई किया गया है, कृषकों के लिए न्यूनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक है, तो स्टैटिक कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मिजोरम के, जैसे कि मिजोरम की कैपिटल हो जाएगी आइजोल। ठीक है, और वहाँ के सीएम हो जाएंगे जोराम थंगा जी, और गवर्नर हो जाएंगे श्रीधन पिल्लई जी। ठीक है, ये हो जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, मिजोरम के। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो मास्टर कार्ड आपको पता होगा, जैसे कि मास्टर कार्ड क्या होते हैं, कि जैसे हमारे एटीएम कार्ड होते हैं। ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, कुछ रुपए के होते हैं, कुछ मास्टर कार्ड के होते हैं। ठीक है, कुछ वीजा के होते हैं। ठीक है, तो उनके तहत विकास के लिए कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़ दिए गए हैं मास्टर कार्ड के तहत। ठीक है, तो मास्टर कार्ड इसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और इनके करंट टाइम के सीईओ हैं अजय पाल सिंह पंगा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने किस देश के तट रक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है कि कौन से कंट्री ने, कि कौन सी कंट्री के लिए जो पानी में जो नेवी होती है, ठीक है, उनके साथ में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किया गया है संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन किसके साथ में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंडोनेशिया के साथ में हुआ है ये। ठीक है, तो इंडोनेशिया की बात हुई है, तो वहाँ की कुछ स्टैटिक पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ के, जैसे कैपिटल हो जाएगी जकार्ता। ठीक है, और करेंसी हो जाएगी इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, वहाँ की हो जाएगी करेंसी, और वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जोको फेडरो। ठीक है, और यहीं पे आसियान का हेडक्वार्टर भी है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये कुछ हो गए पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टैटिक जीके से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। तो बीसीसीआई, ठीक है, इन्होंने, इनके जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, ठीक है, इन्होंने विराट कोहली पे अभी शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, शिकायत दर्ज कराई है विराट कोहली पे। ठीक है, किस लिए कराई गई है? कि इसमें एक रूल होता है कि क्रिकेटर एक से ज़्यादा दो से, मतलब दो के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते, तो अभी विराट कोहली दो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए उन पे केस किया गया है। ठीक है, शिकायत दर्ज कराई गई है। ठीक है, कि एक के ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर एक का ही ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, तो इसलिए इन पे शिकायत की गई है बीसीसीआई के अध्यक्ष ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट होगा, कर्नाटका। ठीक है,
तो इसका कर्नाटका आंसर सही होगा। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के सॉरी कर्नाटका के साथ में समझौता किया हुआ है, ठीक है। तो बात हुई अगर कर्नाटका की, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ जैसे कि यहाँ के सीएम हो जाएंगे BS येदप्पा जी, ठीक है, और कैपिटल हो जाएगी बैंगलोर यहाँ की, ठीक है। गवर्नर हो जाएंगे बाजू भाई बल्ला जी, ठीक है, ये हो जाएंगे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे कि इसी के यहाँ के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट और है, जैसे कि यहाँ के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, ठीक है, ये यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटका में, और बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और एक उगली गाँव है जहाँ पे पहला कोरोना का पेशेंट जो रिकवर हुआ है COVID-19 से, ठीक है, जैसे कि किस वजह से निकला है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी से, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा दिल्ली में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी बना हुआ है, ठीक है। तो जो कर्नाटका में सबसे पहला पेशेंट अभी रिकवर हुआ है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो जो COVID-19 से बचने के लिए स्वच्छता अभियान, मतलब साफ सफाई जैसे पहले ही चल रहा था, लेकिन इस राज्य में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, बड़े पैमाने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूपी के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएंगे यूपी के, जैसे कि वहाँ के कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, ठीक है, और सीएम हो जाएंगे आदित्यनाथ जी, ठीक है, और गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। ये होंगे, ये हो गए यहाँ के कुछ स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे 800 मीटर हर्बल रोड भी यहीं पे शुरू की गई है, और बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना, मतलब कि जो भी अनाथ हैं, ठीक है, श्रमिकों एरिया में जैसे रहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए, या फिर कोई अनाथ हैं, ठीक है, उनके लिए ये शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है, किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है। और 800 किलोमीटर हर्बल रोड बनेगी, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर हर रोड के चारों तरफ, मतलब दोनों साइडें, ठीक है, दोनों साइडें पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, इस रोड के। और प्राइवेसी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च की गई है, आयुष कवच ऐप, ठीक है, और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दी गई है सभी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएंगे यूपी से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना हॉकी इंडिया का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानेंद्र निगोम्बा निगोम्बम, ठीक है, इनको चुना गया है। तो ये हैं योगेंद्र, ठीक है, इनको चुना गया है हॉकी का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत ने जीता है ये, ठीक है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, यूनाइटेड नेशन इंटरप्रेट फोर्स इन लैपडाउन, ठीक है। तो इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है, बटालियन ने भारत की, ठीक है, इनके तहत पुरस्कार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अध्यक्षता सॉरी आदेश को मंजूरी दी है? तो जैसे कि इसका आंसर सही हो जाएगा हरियाणा बी, ठीक है। तो हरियाणा में जैसे कि कई सारी प्राइवेट कंपनियां थी, ठीक है, जैसे हर राज्य में होती हैं जैसे कि, तो वो अलग अलग राज्यों से अपने अच्छे से एम्प्लॉय ढूंढ के लेके आते हैं, ठीक है, अलग अलग कोई अपनी जहाँ से कंपनी हो वहीं से लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो वह जिस राज्य में होते हैं ना, तो उस राज्य में ना उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, ना वहाँ पर ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि जहाँ के लोग आते हैं और जहाँ से कंपनी के लोग आते हैं वहीं पर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कोई भी बाहर का आउटसाइडर एम्प्लॉय नहीं होगा, जिस जो भी कंपनियां हैं तो उसी राज्य, मतलब कि हरियाणा की ही लोग वहां पे काम करेंगे, तो इसलिए किया गया है, ठीक है, हरियाणा सरकार में। वैसे हर राज्य में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि उसी राज्य को देना चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा में शुरू किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों को नौकरी देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग इधर उधर जाते हैं और उधर के बाहर के लोग वहां पे आते हैं प्राइवेट जॉबों में, जॉब करने के लिए प्राइवेट कंपनियों में, ठीक है। तो इसलिए हरियाणा राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट हो जाएंगे हरियाणा के, जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़, और सीएम हो जाएंगे मनोहर खट्टर, ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण जी, ठीक है, और हेल्प मी ऐप भी यहीं पे लॉन्च की गई है, ठीक है, और योगा सॉरी योगशाला शुरू की गई है। आयुष कोच अपॉइंट किए जाएंगे, जैसे योगशाला होती है, कई योग करने के लिए होते हैं, कई सारे स्कूल जैसे होंगे उस टाइप के होंगे, ठीक है, कोच अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो योगशाला भी यहाँ बनाई जाएगी, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ठीक है, योगशाला कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हरियाणा में, ठीक है। यहाँ के कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, पिछली बार किसने जीता था, सब कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हैं
ठीक है, कैजांग डी थोंगडोक, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है, इनकी एक शॉर्ट मूवी थी, ठीक है, उसके तहत इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उसमें शहद वगैरह पकड़ने के लिए, ठीक है, मधुमक्खी का वो शॉर्ट फिल्म थी, ठीक है, उस पर मिला है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, अवार्ड दिया गया है फिल्म मेकर का, ठीक है, तो ये है केजांग डी थोंगडोक, ठीक है, ये इनको मिला है अवार्ड ये, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट यहाँ के डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे गिरीश मुर्मू जी, ठीक है, नेशनल पार्क हो जाएगा तक्षीग्राम नेशनल पार्क हो जाएगा, डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क हो जाएगा, और ये हेमिस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, बन सकता है क्योंकि ये भी जब यूटी दो बने तो ये लद्दाख में जा चुका है, ठीक है, हेमिस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, और एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और एक वोलर लेक भी यहीं पे है, और डल लेक भी यहीं पे है, ठीक है, तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें हेमिस्ट से, तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा भी लद्दाख में, ठीक है, करंट में पहले जम्मू कश्मीर था, फिर जब से यूटी बने दोनों तब लद्दाख में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्राज़ील में, ठीक है, इसरो द्वारा। तो इसरो हमारे जो भारत का स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसने लॉन्च किया है, तो काफ़ी सारे कंट्री आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि स्पेस बनाने के लिए, ठीक है, कई सारे, ठीक है, बनाने के लिए आते हैं। तो इस क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि भारत हमारा देश जुगाड़ू है, ठीक है, काफ़ी सारे सस्ते में अच्छी चीज़ें बना लेता है, तो इसलिए ब्राज़ील ने, ठीक है, और इससे ये भी होगा इनसे हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, तो ब्राज़ील जो पहले अमेजोन में आग लगी थी बहुत ही खतरनाक, ठीक है, तो उसलिए, ठीक है, तो बनाया गया है कि उस पर जंगलों पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो सब कुछ अच्छे से उस पर कवर किया जाएगा सिर्फ अमेजोन जंगल के लिए, ठीक है, तो इसलिए ब्राज़ील में किया गया है, ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म हो जाएगी इसरो की पूछी जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था, कब बना था, 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, और करंट सीईओ कौन है, के सिवान जी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कुछ ही पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ के कैपिटल पूछ ली जाएगी तो होगी ब्राज़ीलिया, ठीक है, और करेंसी हो जाएगी ब्राज़ीलियन रियात, ठीक है, जो कैंसिल सॉरी करेंसी, और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे जियर बोल्सोनारो, ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको भी हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा, ठीक है, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, इसरो के बारे में डिस्कस कर लिया और ब्राज़ील के बारे में भी, और कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा अमेजोनिया वन उपग्रह, ठीक है, तो ये लॉन्च किया जाएगा ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई आधारित आशीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कौशल मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाएगी तो ऐसे जब स्कीम कोई बनती है, कोई पोर्टल बनता है, तो सबसे ज़्यादा इसके लिए फुल फॉर्म हमारे जानने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है भी, तो कौशल मंत्रालय द्वारा है ये, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग, ठीक है, तो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2030 तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जीरो कार्बन एमिशन, तो इंडियन रेलवे द्वारा रखा गया है ये कब तक, ये 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर नए जुड़े हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, करंट अफेयर होता है सारे एग्जाम के लिए, ठीक है, तो हम रोज़ मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।